नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान, रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के आउटस्कर्ट्स में, जहां तेजी से डेवलपमेंट देखा जा रहा है। दोस्तों, झोटवाड़ा जहां तेजी से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते चले गए, तो वहीं निवारू रोड पर अब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बहार सी आई हुई है। शहर का लगभग सभी बड़े बिल्डर्स यहां पर तेजी से अपार्टमेंट कल्चर को फैलाने में लगे हैं और ग्राहक भी लगातार इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी चेक में इसके साथ हम आपको दिखाएंगे मार्केट की प्रॉपर्टी अपडेट। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको निवारू रोड पर। ऐसा माना जाता है कि अगर रहने को अपना घर है तो जिंदगी की तकरीबन आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। अपनी जरूरतों के हिसाब से लोगों को तलाश रहती है अपने सपनों के आशियाने की। बेशक आप अपने घर को अपनी हर जरूरत और सहूलियतों के हिसाब से बसाने की सोच रहे हो, लेकिन अगर आपका आशियाना सुरक्षित, शांत और शुद्ध वातावरण के बीच ना हो तो आपकी सभी कल्पनाएं अधूरी ही रहेंगी। रियलिटी मार्केट में पिछले 20 सालों से लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाले SMG ग्रुप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट श्री एनक्लेव के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बिल्डर ने अपने इस प्रोजेक्ट में सेफ्टी और सिक्योरिटी की उन सभी व्यवस्थाओं को अपनाया है जिससे फ्लैट ओनर्स श्री एनक्लेव में अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्डर की पूरी बिल्डिंग में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम अपनाने के साथ साथ बिल्डिंग के दोनों ब्लॉक्स में CCTV कैमरे तथा सुरक्षा से जुड़े और दूसरे संसाधन अपनाने की योजना है। सेफ्टी पूरी 100% देते हैं कि एंट्री लेने के बाद में आप जब अपने कैंपस में चले जाते हैं, लगभग 6000 से लेकर 10000 गज तक की ये दोनों प्रोजेक्ट हैं हमारे, जिनकी साइज है उसमें पूरा हमने प्रॉपर गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लगभग 35% से भी कम को कवर किया है। मैक्सिमम एरिया हमने ग्रीन के लिए और सर्कुलेशन के लिए छोड़ा हुआ है। इन सब चीजों को ध्यान रखकर हम चीज को आगे बढ़ाते हैं। यही नहीं, श्री एनक्लेव से कुछ ही दूर बन रहा मिलिट्री हब भी यहाँ के फ्लैट ओनर्स को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने में मददगार साबित होगा। जयपुर में निवारू रोड पर से निकलने वाले एक्सप्रेस हाईवे से करीब 150 मीटर दूर श्री एनक्लेव उस कॉर्नर प्लॉट पर बन रहा है जिसके एक तरफ 200 फुट चौड़ी तो दूसरी तरफ 100 फुट चौड़ी सड़क है। देखिएगा, श्री एनक्लेव के जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी लोकेशन है, वो भी कॉर्नर प्लॉट है। फ्रंट में 200 फीट रोड है, दूसरी साइड पे 100 फीट की रोड है। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है निवारू रोड पे, उससे लगभग 150-200 मीटर दूर पे सेंट एंसलम्स स्कूल के सामने की तरफ है, उसके जस्ट आगे जयपुर में बहुत बड़ा मिलिट्री का हब आ रहा है। तो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी सिटी के नजदीक, इससे श्री एनक्लेव से और स्टार वैली जो दोनों हमारे प्रोजेक्ट हैं, इससे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है वो मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है। करीब 6713 वर्ग गज में बन रहे श्री एनक्लेव में ग्रीनरी, शुद्ध हवा और ताजा रोशनी के लिए 65% खुला स्थान रखा गया है। 35% एरिया में श्री एनक्लेव का निर्माण दो ब्लॉक्स में किया जा रहा है। ए ब्लॉक में जहां G+9 मंजिल हैं, वहीं बी ब्लॉक बन रहा है G+10 मंजिल की ऊंचाई तक। इसका दो ब्लॉक में निर्माण सिर्फ इसलिए ही किया जा रहा है ताकि हर फ्लैट तक पहुंच सके रोशनी और ताजा हवा। साथ ही दो ब्लॉक देने का कारण ये था कि वेंटिलेशन बहुत जरूरी है।
अगर एक ब्लॉक दे देते हैं तो सारे फ्लैटों का 100% वेंटिलेशन नहीं आ सकता। तो हमने उसको दो ब्लॉकों में कवर किया हुआ है कि चारों तरफ से कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं है जिसको वेंटिलेशन नहीं मिले। चाहे सूरज की रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी, और हवा और सूरज की रोशनी स्वच्छ मिलती रहती है तो आदमी का सेहत ठीक रहता है। उस चीज को हमने पूरा ध्यान रखते हुए उसे वास्तु का भी ध्यान रखा है। दोनों चीजों का ध्यान रखने के लिए हमने दो ब्लॉक बनाए हैं। हमने चार लिफ्ट दिए, हाई स्पीड लिफ्टें दिए, तो सीढ़ियां उनकी चौड़ाई भी नॉर्मल से अच्छी रखी हुई है कि इजीली कभी भी कोई जरूरत पड़े तो सीढ़ियां इजीली मूवेबल हो, कोई भी आदमी इजीली सीढ़ी से चढ़ना उतरना कंफर्टेबल रहे। साथियों, फायर फाइटिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा ध्यान रखा हुआ है। कभी भी कोई हादसा हो तो पहले तो हमारा सिस्टम पूरा हमेशा चालू रहेगा, और साथ में फायर की गाड़ी चारों तरफ इजीली मूवमेंट कर सके। इवन कि टर्न लेते टाइम कोई अगर स्पीड कम करनी पड़े गाड़ी को तो ठीक है, अदरवाइज तो हमने पूरा मूवमेंट के लिए सफिशियंट स्पेस छोड़ा हुआ है। श्री एनक्लेव के दोनों ब्लॉक ए और बी में कुल मिलाकर 134 फ्लैट्स और 6 पेंट हाउस बनाने की योजना है। 2 BHK और 3 BHK वाले इन फ्लैट्स के निर्माण के दौरान बिल्डर ने हर स्टेप पर क्वालिटी का खास ध्यान रखा है। यही नहीं, फ्लैट ओनर्स की सहूलियत के लिए बिल्डर की श्री एनक्लेव में एक गेस्ट हाउस बनाने की भी योजना है, ताकि अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो उन्हें ठहरने और रात्रि विश्राम के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। करीब 1000 वर्ग फुट में बनने वाले गेस्ट हाउस में 3 गेस्ट रूम बनाए जाएंगे। हर गेस्ट रूम अटैच होगा एक सेपरेट बालकनी और टॉयलेट से। श्री एनक्लेव के बी ब्लॉक की 10वीं मंजिल पर बिल्डर क्लब हाउस की सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा। इस क्लब हाउस में लॉन, जिम, स्विमिंग पूल तो होंगे ही, साथ में आपके परिवार के किसी भी सामाजिक या धार्मिक आयोजन के लिए एक कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। एक गेस्ट हाउस का भी हमने इसमें प्रोविजन रखा है कि जितने भी लोग यहाँ बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनकी फैसिलिटी के लिए अगर उनके यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसके लिए गेस्ट हाउस का भी अलग से एक प्रोविजन रखा है। श्री एनक्लेव के बेसमेंट में जहाँ फ्लैट ओनर्स के लिए कवर्ड कार पार्किंग का प्रावधान किया गया है, वहीं बेसमेंट में एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खोले जाने की भी योजना है, ताकि फ्लैट ओनर्स को अपनी दैनिक जरूरतों की खरीदारी के लिए अपार्टमेंट से दूर न जाना पड़े। 24 घंटे शुद्ध पानी की सप्लाई और जरूरी तथा कॉमन सर्विसेज के लिए 100% पावर बैकअप की सुविधा भी श्री एनक्लेव के फ्लैट ओनर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। पर बन रहा एसएनजी कार श्री एनक्लेव दो अलग अलग फेसेस में आ रहा है, कुल 134 फ्लैट के साथ में, और क्या आ रहा है श्री एनक्लेव में खास जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं एसएनजी के श्री एनक्लेव की, दो फेसिस में 134 फ्लैट्स आ रहे हैं और क्या खास है एसएनजी के श्री एनक्लेव में, चलिए जानते हैं। एसएनजी ग्रुप द्वारा जयपुर में निवारू रोड पर निर्माणाधीन प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट श्री एनक्लेव के निर्माण में बिल्डर ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि फ्लैट ओनर्स द्वारा खर्च किए गए एक एक रुपए का उससे अच्छा रिटर्न मिले। फ्लैट चाहे 2 BHK हो या फिर 3 BHK, हर फ्लैट में स्पेशियस ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया और बेडरूम की सबसे बड़ी खासियत है कि फ्लैट खुला खुला और हवादार लगे। दिन की प्राकृतिक रोशनी से सराबोर इस फ्लैट में आप बिना बिजली चालू किए अखबार तक पढ़ सकते हैं, और ये सब मुमकिन होगा फ्लैट की बड़ी खिड़कियों और हर कमरे का बालकनी से जुड़े होने पर। बिल्डर की हर फ्लैट में
सेमी मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कराने की योजना है। किचन की फ्लोरिंग विट्रीफाइड स्टाइल से होगी, वहीं वर्किंग प्लेटफॉर्म की दीवार पर 2 फुट तक सिरेमिक डोरो टाइल्स लगाई जाएंगी। बिल्डर द्वारा किचन में ग्रेनाइट टॉप वर्किंग प्लेटफॉर्म और एसएस सिंक सहित प्रीमियम क्वालिटी के सीपी फिक्स्चर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिएगा, 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम 3 टाइप के फ्लैट हमने बनाए हैं, जिसमें 1500 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट 2400 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है। इसमें फैसिलिटी हमने पूरी दी है, टाइल फ्लोरिंग जो है टाइल है, मॉड्यूलर किचन है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम उसमें वार्डरोब वगैरह है, और सभी के लिए लगभग हमने सर्वेंट क्वार्टर का प्रोविजन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सर्वेंट क्वार्टर कम पड़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि फ्लैट अगर मान लो एडजस्ट हो जाते हैं तो हम सर्वेंट क्वार्टर उनमें एडजस्ट करें। पार्किंग का पूरे हमने बनाया हुआ है। बिल्डर ने फ्लैट के इंटीरियर डेकोरेशन में कलर कॉम्बिनेशन का खास ख्याल रखा है। फ्लैट के बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग स्पेस, लॉबी की फ्लोरिंग में विट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और बालकनी, यूटिलिटी स्पेस और टॉयलेट में एंटी स्किड फ्लोरिंग की जाएगी। टॉयलेट में वॉश बेसिन, हॉट एंड कोल्ड वाटर मिक्सचर फिटिंग के साथ उच्च क्वालिटी की WC CP फिटिंग बिल्डर द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्लैट में हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में मॉड्यूलर इलेक्ट्रिकल स्विचेस, सॉकेट और फैन रेगुलेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही हर फ्लैट में TV, टेलीफोन और इंटरकॉम पॉइंट्स का भी उचित स्थानों पर प्रावधान दिया जाएगा। हर फ्लैट का इंटरकॉम का सिस्टम मेन गेट पर लगे EPABX से जुड़ा होगा, ताकि आपकी अनुमति पर ही आपसे मिलने वाला अपार्टमेंट में दाखिल हो सके। ट्री एनक्लेव में वास्तु नियमों की यथासंभव पालना की गई है और किसी आपदा से निपटने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के साथ साथ हर उस व्यवस्था को अपनाया गया है जो एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए निर्धारित की गई है। बिल्डर ने अपने इस प्रोजेक्ट में खास ध्यान ये रखा है कि ग्राहक के लिए श्री एनक्लेव के फ्लैट रेडी टू शिफ्ट की पोजीशन में तैयार रहें, ग्राहक फ्लैट खरीदे और अपना सामान लेकर यहाँ रहने आ सके। इसमें हमने जैसे किचन है उसमें सेमी मॉड्यूलर किचन का हमने यहाँ पे प्रोविजन रखा है और रूम्स में वार्डरोब वगैरह हम लगा करके दे रहे हैं। फ्लैट को इतना अच्छा रेडी करके दे रहे हैं कि जो भी कस्टमर इसमें आएंगे वो सीधा अपना मतलब सीधा शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ करके। वो एक अपने घर का सपना उनका साकार होता है, सीधा यहाँ करके सामान रख करके वो अपना शिफ्ट हो सकते हैं, तो रेडी टू शिफ्ट हम इस प्रॉपर्टी को उनको देंगे। फ्री एनक्लेव JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। फ्री एनक्लेव जयपुर रेलवे स्टेशन और केंद्रीय बस स्टैंड से ज्यादा दूर नहीं है। 6 से 10 मिनट की कार ड्राइव से फ्री एनक्लेव आसानी से पहुंचा जा सकता है। फ्री एनक्लेव से बच्चों के स्कूल और अस्पताल भी पास ही है, ताकि आपको इनके लिए फ्री एनक्लेव से ज्यादा दूर न जाना पड़े। जब सभी सहूलियतें और जरूरतें एक ही जगह आसानी से पूरी हो सके तो फिर अपने खुद के घर की तलाश आप दूसरी जगह क्यों करें। साथ ही देखो, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमने पहले दिन से ही प्रिकॉशन लिए हुए हैं। आप देखिएगा, मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रोजेक्ट बनाए तो संधु साहब ने एक मीटिंग में, जो गवर्नमेंट की मीटिंग थी, उसमें हमें सराहा था, मिनट्स में हमारा नाम लिया था कि क्वालिटी के मामले में SNG के मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे हमेशा क्वालिफाइड इंजीनियर 24 आवर साइड पे रहते हैं और लेबोरेटरी हमने साइडों पे लगा रखी, हर चीज टेस्ट होके और बाद में यूज लेते हैं। तो क्वालिटी के मामले में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हमें हमारे गुरु ने भी हमें ये राय दी है कि कभी भी क्वालिटी के बारे में अगर कंप्रोमाइज करोगे तो भविष्य में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखिए, रहने के लिए घर बार बार नहीं खरीदे जाते। रेडी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।